नमस्कार मित्रों, आज मुख्य रूप से जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक्स हैं, मुख्य रूप से आप जानते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री मेरे पास में कुल साइन कोस टेन कोट और सेक और कोसेक के रूप में अपन जो जिक्र करते हैं। मुख्य रूप से आपके पास में जो एसएससी होती है वो मुख्य रूप से किस प्रकार से प्रश्नों को अटेंड करती है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए, हम समझने का प्रयास करें मेरे भाई। तो एक प्रश्न है कि जिस प्रकार से जो टेन मेरे भाई, यहाँ पे टेन वन है और यहाँ पे टेन मेरे भाई 89 दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखिए, अपन को कुछ नहीं करना है, एक थीटा के रूप में यहाँ पे आपके पास में इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए किसी एक थीटा को चेंज करना होगा। देखिए, आप समझते हैं कि जैसे टेन वन डिग्री और मेरे पास में इसको क्या लिख सकता हूँ, टेन क्या लिख सकता हूँ, टेन 90 माइनस 1 लिख सकता हूँ, कोई किसी को दिक्कत होने नहीं चाहिए। और 89 है उसको 90 माइनस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 80 घटने के बाद में 89 ही बचने वाला है। अब मैंने ये ऐसा क्यों किया पता है, कि जैसे कि ये 10 है, 10 1 है। अब देखिए, ये 10 है, 10 90 माइनस 1, मतलब 10 किस में बदल जाएगा, कोट 1 में बदल जाएगा। और मेरे भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 10 1 इंटू 10 किस कोट किसका उल्टा होता है, 10 का, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 1। और यहाँ पे यदि जिक्र करें तो मेरे पास में कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो यदि मैं ऐसा प्रश्न लेने का प्रयास करूँ तो मेरे पास में देखिए क्या होता है, कि जैसे कि मेरे पास में दे रखा है 10 1, यहाँ पे दे रखा है 10 2, यहाँ पे दे रखा है मेरे भाई 10 3, और यहाँ पे दे रखा है 10 4, डॉट 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 करके मेरे पास में यहाँ पे 10 कितना दे रखा है, 10 10 कितना दे रखा है, यहाँ पे 88 दे रखा है मेरे भाई, और यहाँ पे 10 कितना दे रखा है, 10 89 दे रखा है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है आपको। देखिए, इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है 1, मतलब मेरे पास में 90 और 1, यहाँ पे जब दोनों 10 थीटा में, यदि उन दोनों का योग यदि थीटा का 90 डिग्री हो जाए तो उसका मान कितना हो जा रहा था, 1 है। तो बार बार इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मान कितना हो जाएगा बोलो, इसको और इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। इसी प्रकार यहाँ से ये करेंगे तो इसका गुणा में 1, मतलब ये टोटल 1 ही आने वाला है। तो 1 से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेरे भाई, यहाँ पे इसका आंसर होगा तो 1 हो जाएगा। यदि अपन बात करें कि जिस प्रकार से एक प्रश्न है कि कोस थीटा, कोस 1, कोस 2, कोस मेरे भाई 3 दे रखा है, और आगे यदि समझने का प्रयास करें कि कोस मेरे भाई यहाँ पे 4th दे रखा है, डॉट 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 करके यहाँ पे कोस 90 दे रखा है, और आगे कितना दे रखा है, कोस 91 दे रखा है, कोस कितना दे रखा है यहाँ पे, कोस 91, कोस 92, ऐसे ऐसे लगातार चलता जा रहा है। तो इसका जो वैल्यू कितना होगा, इसका मेरे भाई इसका वैल्यू कितना होगा, आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे ये छोड़ो ये सब किस में है, गुणा में है। तो अपन क्या करेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पे सब गुणा में है, तो यहाँ पे ये मान दिखाई दे रहा है, और मेरे भाई ये कोस कितना होता है, कोस 90 का मान कितना होता है, 0। बाई चांस यहाँ पे कितना भी मान आ जाए, पर यहाँ पे कोस 90 का मान कितना है, 0। तो यहाँ पे ये संख्या आएगी और ये संख्या आएगी, इसके जो मल्टीप्लाई में 0 है, तो अर्थात इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, ये लेके बैठ जाएगा 0। इस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जा सकता है। और आगे और करने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।